कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजार में दिखी चहल पहल। राधा कृष्ण की पोशाक बांसुरी झूलों से सजा बाजार। आपको बता दें कि आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा के जन्म के इस उत्सव को मनाने के लिए हर कोई ललायित है। हर घर में इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। महिलाओं में झांकी व अन्य पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बाजारों में भी जन्माष्टमी का रंग छाया हुआ है। खटीमा शहर में भी जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह दुकान सजी हुई हैं। गिफ्ट सेंटरों पर भी कान्हा की मूर्तियां सज गई हैं। वहीं दुकानों पर भगवान श्री कृष्ण के रंग बिरंगे वस्त्र, पीतल के लड्डू गोपाल, बांसुरी बजाते कन्हैया, पालने सिंहासन, घुंघराले बाल, चारपाई माखन मटकी व कान्हा जी का अन्य सामान भी दुकानों पर उपलब्ध है। वहीं कहीं कहीं दुकानों पर तो पालने में बैठे नन्हे लड्डू गोपाल, बगल में बैठी सुंदर सी राधा रानी के साथ पंच धातु में भी लड्डू गोपाल मिल रहे हैं। साथ ही दुकानों पर इनका पूरा श्रृंगार भी उपलब्ध है। वहीं मूर्तियों की खरीदारी के लिए भीड़ बाजार में देखने को मिल रही है। कान्हा के जन्म का उत्सव घर घर मनाया जाता है। कई घरों में बच्चों के द्वारा जन्माष्टमी सजाई जाती है। आज खटीमा के सभी मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजे हुए हैं। मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर को लेकर कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी। वहीं रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है।